हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेडरिक विस्लो टेलर द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांत, जिसे हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इजी कॉमर्स ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेलर के सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम लोग टेलर का परिचय तथा उसके संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। टेलर का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था तथा उसका मृत्यु 1915 में हुआ था। सन 1878 में उन्होंने अमेरिका की मिडवेल स्टील वर्क में एक प्रशिक्षणार्थी मैकेनिक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। टेलर की सन 1903 में शॉप मैनेजमेंट तथा 1911 में वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत पुस्तक प्रकाशित हुई। टेलर ने यह देखा कि कर्मचारी अपनी क्षमता से कम काम कर रहे तथा प्रबंधकों और श्रमिकों की एक दूसरे के प्रति नकारात्मक सोच है, इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों का विकास किया, इसलिए उन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जनक माना जाता है। आइए अब वैज्ञानिक प्रबंध को देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध F.W. टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं और फिर यह देखना है कि वह उसको सर्वोत्तम एवं सस्ते ढंग से करे। अर्थात वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ प्रबंध की रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। इसके अंतर्गत प्रत्येक कार्य का बारीकी से अध्ययन किया जाता है कि संस्था के सभी काम सस्ते एवं कुशलतापूर्वक ढंग से पूरे हो। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता फ्रेडरिक विस्लो टेलर है। अब वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को देखते हैं। पहला, विज्ञान न की रूढ़िवादिता। इस सिद्धांत के अनुसार हमें पुरानी पद्धति को छोड़कर नए नए प्रयोग करके नवीन पद्धति की खोज करनी चाहिए और उसे कार्य क्षेत्र में अपनाना चाहिए। हमें विज्ञान का प्रयोग करके नई तकनीक और तरीके से काम को आसान बनाना चाहिए। अब दूसरा सिद्धांत, मैत्री न की मतभेद। इस सिद्धांत के अनुसार संस्था के अंदर ऐसा वातावरण बनाना चाहिए इसमें श्रमिक एवं प्रबंध दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझे, दोनों एक दूसरे के महत्व को समझे। इससे F.W. टेलर ने मानसिक क्रांति का नाम दिया है। टेलर का मानना था अगर दोनों पक्षों में प्रबंध और श्रमिक के बीच संघर्ष खत्म हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए, तो संगठन को अधिक लाभ हो सकता है। तीसरा, सहयोग न कि व्यक्तिवाद। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में सभी को सहयोग की भावना से काम करना चाहिए। टेलर का सुझाव था कि परमापो जैसे एक दिन में एक मजदूर कितना उत्पादन करेगा, कितने घंटे काम करेगा आदि का निर्धारण प्रबंधक तथा श्रमिक दोनों पक्ष मिलकर करें। इससे श्रमिकों में भागीदारी की भावना आती है और काम को पूरा करने का जिम्मेदारी भी बढ़ता है। अगला, प्रत्येक व्यक्ति की उसकी अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक विकास। टेलर के इस सिद्धांत के अनुसार योग्य व्यक्ति का चयन करना चाहिए और उनकी कुशलता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए तथा कार्यों का विभाजन व्यक्ति की योग्यता एवं रुचि के अनुसार होना चाहिए, तभी श्रमिक अपने काम को मन लगा के कर सकेंगे और उसकी उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।